आयलर्स इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर लिए, उसमें दो चीजें और आप लोग देख लीजिएगा, थ्योरी पार्ट है। पहला, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो पहला लिमिटेशन जो है कि कभी भी जो आपका कॉलम है वो एक्सियली लोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हम जो कॉलम डिजाइन करते हैं, ठीक है, हम जो कॉलम डिजाइन करते हैं रियल में आरसीसी कॉलम, उस पे पर्टिकुलरली लोडिंग हमको नहीं पता है कि कौन सी लोडिंग कब किस तरह से आ रही है, ठीक है। तो पहला एक जो होगा कि हमेशा कोएक्सियल लोड नहीं होगा। सेकंड क्या हो सकता है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस का कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। तो दो लिमिटेशन इसकी है, पहला कि कभी भी एक्सियल लोड हर टाइम पे नहीं होगा। सेकेंड आपका जो हो सकता है लिमिटेशन, दैट इज कि डायरेक्ट स्ट्रेस का कंसिडरेशन नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस को भी कंसीडर करके हम लोग उसको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस भी तो आएगा कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर कॉलम पे, क्लियर। तो ये दो लिमिटेशंस हो गए, ठीक है। नाउ अब हम लोग आयलर्स फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस, ठीक है। तो क्या आपका डेरिवेशंस ऑफ आयलर्स फॉर्मूला फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए आयलर्स फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और वहीं से हमारा इक्विवेलेंट लेंथ पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंड कंडीशन है वो क्या है, both ends are hinged or pinned, ठीक है, both ends hinge pinned, ठीक है। second आप क्या है, one end fixed and other is free, ठीक है। थर्ड वन, one fixed, one end fixed and other is hinged or pinned. Now last one, both end are fixed, ठीक है। एक वर्ड है इनकैस्टर, इनकैस्टर क्या होता है, ठीक है, या इनकैस्टर बीम क्या होता है, तो ठीक है, जो फिक्स्ड बीम होती है उसी को हम लोग इनकैस्टर्ड बीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड कॉलम के केस में यूज होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दैट इज इनकैस्टर्ड। तो इनकैस्टर्ड यूज होता है आपका फिक्स्ड के लिए, फिक्स्ड एंड जहां पे होगा वहां पे ये बोला जा सकता है कि वो इनकैस्टर्ड एंड है, या इनकैस्टर्ड बीम अगर बोला जाता है तो दोनों एंड क्या है आपकी फिक्स्ड है, क्लियर। तो ये वर्ड आप लोग याद करिएगा, इनकैस्टर्ड बीम दैट इज द फिक्स्ड बीम, इनकैस्टर्ड बीम दैट इज फिक्स्ड बीम को ही कहा जाता है, या फिक्स्ड कॉलम अगर दोनों एंड फिक्स्ड है तो यहाँ पे इनकैस्टर्ड कॉलम होगा, क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला अपना जो है बोथ एंड हिंज और पिंस। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन वन, दैट इज बोथ एंड्स आर हिंज और पिन, ठीक है। तो इसके लिए एक हम लोग कॉलम बनाते हैं, कॉलम है ए और बी, दोनों पे क्या है हिंज सपोर्ट है,
है, ये आपका एक कॉलम है ए बी जिसकी लेंथ है एल, ठीक है, और इसका हम लोग पर्टिकुलरली जो दोनों एंड्स है वो क्या है, हिंज है, और इसमें एक पी लोडिंग अप्लाई हो रही है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स सेक्शन ले लो, ठीक है, ए या बी कहीं से भी ले सकते हो, तो हम लोग बी से ले रहे हैं, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, वाई है, दैट इज एक्स एक्स सेक्शन। यहां से कुछ स्टेटमेंट्स लिख लो, कंसीडर अ कॉलम, कंसीडर अ कॉलम ए बी हूज लेंथ इज एल कैरीज अ एक्स एन एक्सियल कैरीज एन एक्सियल एक्सियल लोड ऑफ पी, ठीक है। नाउ कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स फ्रॉम बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे। तो नाउ मोमेंट एट एक्स एक्स एक्स, मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन इज क्या होगा, एम एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस पी इंटू वाई, एम एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी इंटू वाई। तो यहां से लिख लो, एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट एम एक्स इज इक्वल टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इक्वेट कर लो, तो यहां से आ जाएगा आपका ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट एट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इस कंसीडर इस कॉलम कंडीशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कॉलम लिया हुआ है, ठीक है, एक एक्स एक्स सेक्शन ले लिए, ठीक है, एक्स सेक्शन पे आपका, ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना है, वाई है, तो यहाँ से मोमेंट निकालोगे एक्स एक्स सेक्शन पे कितना आएगा, माइनस पी इंटू वाई, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एम एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होती है, कितनी होती है, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग खुद किया है, और वहां से हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, दैट इज डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इक्वेशन वन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन वी गेट, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस रूट पी अपॉन ई आई इंटू एक्स प्लस सी टू साइन रूट पी अपॉन ई आई इंटू एक्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर हम लोग को क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन, इस इक्वेशन को हम लोग टू मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बाउंड्री कंडीशंस पे, तो बाउंड्री कंडीशंस पे देखो कि सी वन एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो रखते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है, और एक्स की वैल्यू अगर एल रखते हैं तब भी हमारा डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या आएंगी, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारी, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से हम इन बाउंड्री कंडीशंस को लेके अपना क्या फाइंड आउट करेंगे, C1 और C2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, इसको फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ले लो, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये हो जाएगा सेकेंड बाउंड्री कंडीशन,
ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन वी गेट सी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड फ्रॉम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एंड फ्रॉम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन वी कंक्लूड दैट C2 sin root P upon EI into L is equal to zero, ठीक है? C1 और C2 दोनों zero नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा कॉलम क्या होगा उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहां से आपका क्या कंडीशन आएगी, दैट इज साइन रूट पी अपॉन ई आई इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट पी अपॉन ई आई into L is equal to n pi or P is equal to n square pi square EI upon L square, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपकी लूप कंडीशन कितनी है, यहाँ पे आपकी लूप कंडीशन कितनी है, एक है, ठीक है, यहाँ पे लूप कंडीशन कितनी है, सिर्फ वन है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन नंबर थ्री को हम लोग मॉडिफाइड आयलर्स इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, on comparing equation 3 with modified Euler's theory, that is P is equal to pi square EI upon L effective square, ठीक है, यही आया था, P is equal to pi square EI upon L effective square, we get, हम लोगों को क्या मिल रहा है, L effective is equal to L, L effective is equal to L, तो condition हमारी क्या बन रही है, कि अगर, ठीक है, या हमारा column जो है वो क्या है, column की जो end condition है वो क्या है, दोनों end hinge है, ठीक है, दोनों end क्या है, hinge है, तो वहां पे आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ द कॉलम के इक्वल होगा। जब हम लोग लैब कर रहे थे तो ये कंडीशंस हम बताए थे आपको कि अगर बोथ एंड फिक्स है, बोथ एंड हिंज है, तो आपका एल इफेक्टिव क्या होगा, एल के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर बोथ एंड हिंज्ड कंडीशन condition the equivalent or effective length is equal to the length of the column given, length of the column given, clear, ठीक है, तो ये हमारी conditions हो गई आपकी both and hinge के लिए, ठीक है, both and hinge के लिए हमारी effective length की condition क्या हुई, L effective is equal to L, इसी तरीके से हम अदर्स कंडीशंस के लिए भी डेरिवेशन करेंगे, दैट इज वन एंड फिक्स, अदर इज फ्री, वन एंड ऑफ द कॉलम इज टू जनरली हिंज एंड बोथ एंड फिक्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको जितने भी हम कंडीशंस पढ़ाते जाएंगे उस कंडीशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में, जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप
यहाँ क्लास में आके डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी आज की कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन। बाकी जो कंडीशंस है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, दैट इज जो तीन कंडीशंस हमारी बची हुई है। क्लियर?